अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद। वेलकम टू जायंस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इससे नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डिजाइन टैब, विजुअल एडिटर, बबल डॉट आईओ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली कंपोनेंट्स को स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स के साथ, जो कि एक्चुअल मीट है हमारी बबल डॉट आईओ ऐप का। उसके लिए हमें आज की वीडियो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डिजाइन टैब को स्टडी करना है। हमें ये देखना है कि डिजाइन टैब में यूआई बिल्डर टैब क्या चीज है, जो कि बेसिकली इन पेज टैब है, और उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिव टैब है, वंस अगेन इनसाइड पेज टैब है, वो क्या चीज है और उसकी हमें क्यों जरूरत है। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देर किए। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा। लास्ट वीडियो की तरह मैंने पहले ही दोनों टैब्स को ओपन करके रखा हुआ है। इस ऐप को मैंने इस टैब में ओपन करके रखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन टैब में। और बेसिकली डिजाइन टैब में हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है। अगर मैं किसी और पेज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेज जो डिजाइन करने के लिए, जो यूआई डिजाइन करने के लिए, वो सिर्फ इस टैब में शो होता है। उसके बाद ये तो हमारा पास जो लाइव एडिटिंग एनवायरनमेंट है, जो पेज का डिजाइन है, वो सारा यहाँ पे है। लेकिन इसको जो डिजाइन करने के लिए जो चीजें हैं, वो हमारे पास यहाँ पे इन पेज साइड बार के अंदर अवेलेबल है। तो ये चीज है नेक्स्ट जिससे हम स्टार्ट करेंगे। यूआई बिल्डर क्या चीज है? बेसिकली जैसे इसके नाम से जाहिर है, आपकी ये जो आपको यूआई नजर आ रही है, इसको बिल्ड करने के लिए जो चीजें आपको रिक्वायर हैं, वो सारी की सारी डिजाइन टैब में, यूआई बिल्डर टैब में अवेलेबल है। यूआई के रिलेटेड जो है वर्क फ्लोज, जो एक्शन वगैरह है, वो वर्क फ्लोज डाटा वगैरह में वो लेता है। यूआई बिल्डर में आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट्स का मतलब है वो चीजें जब हम जिनको के जब हम यूज करेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी, उनको विजुअल एलिमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंटेनर्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स हैं, जो कि होपफुली आपने गेस किया होगा कि जिससे कि यूजर को इनपुट दे सकता है, और यदि यूजेबल एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर पूरी वीडियो है या ज्यादा वीडियोज हैं एक से ज्यादा, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका मसला नहीं है। और कोई एलिमेंट बेसिकली अगर आप प्लगइन्स ऐड करके और ज्यादा हासिल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए और आप वन बाय वन सर्च बेसिकली स्क्रॉल करके नहीं देखना चाह रहे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे और वो आपको बता देगा कि ठीक है, ये जो आपने एलिमेंट लिखा है ये इसमें विजुअल में है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो एलिमेंट आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास बेसिकली विजुअल एडिटर है। एलिमेंट को यूज करने का तरीका क्या है? तरीकाकार ये है कि आप उस एलिमेंट को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी यूआई चेंज हो गई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि वो बेसिकली जैसे मैंने क्लिक किया, उसने सिर्फ उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अभी के लिए मैं डिलीट दबा के अभी यहाँ पे हूं, तो इस वजह से ये हो रहा है। इस पे क्लिक करके डिलीट दबाऊंगा, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। वंस अगेन मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी ये देखें ये बॉर्डर ब्लैक है, मतलब कि अभी कोई एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्शन मोड में नहीं है। मैंने क्लिक किया, ये रेड हो गया है। ओके, और ये रेड क्यों हुआ है? बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, व्यू में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो डिस्टेंस ऑन होवर, मेनली बेसिकली इसको चलें चेंज करके कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी वजह से या किसी और वजह से। खैर, मैंने ये इसको कर लिया, ग्रीन कर लिया, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वंस अगेन इस पे क्लिक किया, और ये बेसिकली इंसर्शन टैब के लिए है। मैं इस पे यहाँ पे ये एंटर कर देता हूँ और इसको करता हूँ, तो ये जो बेसिकली मैंने ऊपर व्यू में सेट किया, वो ये इस चीज को सेट कर रहा है। ये देखें, मैं जब होवर करता हूं तो वो बेसिकली मुझे डिस्टेंस दिखा रहा है कि इस एलिमेंट का यहां से ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट कितना डिस्टेंस है, वो सारी चीजें। मैं इसको वापस ले आता हूँ रेड पे, या इसको बस कोई पर्पल सा कर लेते हैं ताकि बेसिकली ना जरा इजीली शो। खैर, ये ठीक है। ओके, इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। एलिमेंट पे आप क्लिक करें, और जहां पे आपको एलिमेंट लगाना है वहां पे क्लिक करके छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ देंगे वो एलिमेंट इंसर्ट कर देगा जो उसकी डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट के साथ वो एलिमेंट इंसर्ट ना करे, जैसे कि ये बटन है, मेनली बटन को देखते हैं, बटन पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया, उसने डिफॉल्ट विड्थ एक जो उसका प्री डिफाइंड स्टाइल था, स्टाइल्स को हम स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसने बटन इंसर्ट कर दिया। लेकिन आपको बेसिकली इस तरह का बटन नहीं था चाहिए, जरा बड़ा बटन चाहिए था, तो आप क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करें और ड्रैग करें, जितना बेसिकली आप इस बॉक्स को ड्रॉ करेंगे उतना बड़ा वो एलिमेंट, वो कंपोनेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कैलिंग की ट्रिक है। खैर अभी हमने बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में भी कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ स्टडी करना है और बेसिकली इसको भी देखना है और फिर इसकी चीजों को देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का मजा खराब नहीं करते। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं रिस्पॉन्सिव टैब से कि ये क्या चीज है। रिस्पॉन्सिव टैब बेसिकली इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका यूआई बिल्डर टैब है, क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐप की रिस्पॉन्सिवनेस को शो करेगा। और 2024 और आने वाले सालों में अगर आपकी ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उससे बेहतर था कि ना होती। तो प्लीज इस चीज को माइंड करें। आप यहाँ पे देखें शो ऑन हाइडेबल, ओनली शो हाइडेबल, बेसिकली ये एक अलग फील्ड है, इसको हम बाद में कभी स्टडी करेंगे। मेक रिस्पॉन्सिव, इस पे मैंने क्लिक किया और ये बेसिकली वो मुझे ले गया एक दूसरी चीज पे, इसको मैं बेसिकली लाइन टू पेनेट अभी के लिए कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड है ना उसमें रिस्पॉन्सिवनेस का कोई प्ले नहीं है, वो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पूरी एक वीडियो है लेआउट, इसमें हम देखेंगे, उसके अलावा आगे भी लेआउट्स में जाके हम फुली स्टडी करेंगे। ये फिक्स्ड लाइन टू पेनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने उनको स्टडी करना है। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि जो फिक्स्ड है वो बेसिकली एब्सोल्यूट की तरह है, पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब कि फिक्स्ड अगर आपने चीजों को किया है तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं आप कर सकते, वो बेसिकली उसके तरीके होते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, जीरो रिकमेंडेशन। मोस्ट रिकमेंडेड रो और कॉलम है, ये बेस्ट है, उसके अलावा कभी अगर जरूरत पड़े तो लाइन टू पेरेंट भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली यही चलेगा रो और कॉलम हमारे लिए। जैसे ही मैंने आप उसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं काफी ज्यादा। मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली मेरे इस पेज के साइज को एडजस्ट कर देता है। इस पे क्लिक करता हूं इस तरह हो गया, इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है, ये बेसिकली मेरा पेज इतना है और ये एलिमेंट पेज से बहुत ही बाहर निकल गया। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, लेआउट पे आता हूं, वंस अगेन हम इस चीज को स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि रिस्पॉन्सिव टैब किस तरह काम कर रहा है। मैं इसको सिर्फ अनचेक कर दूंगा, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है मेक दिस एलिमेंट फिक्स्ड विड्थ, अनचेक किया है तो अब वो कह रहा है ठीक है मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, मिनिमम विड्थ इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्क्रीन साइज आपके सामने 320 पिक्सल है, पीएक्स का मतलब है पिक्सल, ये जो पीएक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी ये पीएक्स लिखा है तो पिक्सल है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि 320 पिक्सल डिवाइस का अगर साइज है तो आप 200 पिक्सल से ऊपर तो ना जाओ, क्योंकि वो फिर मसला खराब हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 200 पिक्सल उसने कहा कि मिनिमम विड्थ मैंने 200 पिक्सल लेनी है। इस चीज को मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ कितनी है, वो कह रहा है कि अभी के लिए इन्फिनिटी, INF का मतलब इस बिल्डर में है इन्फिनिटी। मैं क्लिक करता हूँ नहीं भाई इन्फिनिटी नहीं, 220 पिक्सल बहुत ज्यादा है आपको। और जैसे ही मैंने उसको किया तो आप देख सकते हैं कि उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्पेस। और अभी के लिए वैसे ये इतना सही नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ, क्योंकि मैं ना इन तीनों के दरमियान आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ जो है ना इसकी 400 पिक्सल हो जाए। अभी आप देखें कि जब मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया हुआ था तो मैंने इसको कहा कि मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल ले लेना, लेकिन मैंने फिक्स्ड विड्थ नहीं किया, मिनिमम इसमें 200 से कम नहीं हो सकता ये बटन। ओके, स्क्रीन साइज जितना मर्जी हो जाए 200 से कम ये नहीं इसको समझ लगेगी। और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये देखें जैसे ही ये बेसिकली आपको बता रहा है कि कितनी विड्थ है अभी इस पेज की, तो जैसे तो मैं 200 से ऊपर हूं तो इसको ओके है, क्योंकि ये 200 से फिर 400 के दरमियान जितनी इसको स्पेस मिल रही है एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 200 से नीचे आता हूँ तो ये पेज से बाहर निकल जाता है, क्योंकि 200 से नीचे इसने नहीं जाना, वो मैंने इसको कहा कि मिनिमम विड्थ इतनी है, तो ये रिस्पॉन्सिव का मसला है। अब ये देखें जब मैं 200 से ऊपर लेके जा रहा हूँ ना तो ये बड़ा होता जा रहा है, ये 400 तक जाएगा जो मैंने इसकी मैक्सिमम विड्थ सेट की है। जैसे ही 400 से ऊपर हुआ है ये देखें ये रुक गया,
इसने 400 से ज्यादा स्पेस नहीं लिया, मैं जितना मर्जी बड़ा करता जाऊं ये 400 से ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो ये तरीका कहा है रिस्पॉन्सिव को हैंडल करने का। वंस अगेन हम इन सारी चीजों को बड़ी ही डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए जरा इंट्रो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे बेसिकली, अभी हमने जो वॉक थ्रू कर लिया है इसके साथ, मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, और इन दोनों चीजों को हमने स्टडी कर लिया। ऑब्वियसली हमने कंपोनेंट्स को अभी बहुत डिटेल में स्टडी करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ, अजीजों के साथ इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको रीड करूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.